हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डॉक्टर के एल गुप्ता वाली बुक से अप टू 10 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, 10 तक बताए थे। आज के क्लास में मैं आपका 11, 12, 13, 14 और 15 यह 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, और ऐसे करके यार चैप्टर्स को भी खत्म करूंगा। और आपके लिए पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई यहाँ चार्ज नहीं लग रहा है, सारा वीडियो आपका रिकॉर्डेड मिल रहा है, यार शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। आप राइट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए और 11 नंबर राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। हाँ यार, यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा बच्चे, ठीक है। सबसे पहले करंट एसेट्स को लेके चले, ठीक है। तो करंट एसेट्स का सेम रूल, करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा और घटेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे डेटर 39,000 था, उसके बाद 30,000 हो गया, तो 9,000 वर्किंग कैपिटल घट गया ना, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज में 9,000 लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल भी उसी तरीके से 20,000 से 10,000 हो गया, घटा तो वर्किंग कैपिटल घटा दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी यहाँ पे 20,000 से 10,000 हो गया, तो यहाँ पे यह आपका डिक्रीज कर गया, टोटल करेंट सेट कर दिए। लाइबिलिटीज का बारी आया तो आपका क्रेडिटर 10,000 से 12,000 हो गया। रूल यह था क्या कि अगर आपका करेंट लाइबिलिटीज बढ़ जाता है तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल, करेंट लाइबिलिटीज है 4,000 से 1,000 हो गया, तो यह घट गया, तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, मैंने इंक्रीज कर दिया। अब एडजस्टमेंट अगर मतलब कैलकुलेशन किए तो आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 28,000 आया, वह मैंने यहां पे लिख दिया, क्लियर। अब आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में चलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आप बोले। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर 10,000 दिया हुआ था और प्रीवियस ईयर का 5,000 था, तो आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5,000 का आ गया। जनरल रिजर्व 2,000 का डिफरेंस था, उसमें मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन था 4,000 का, मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया यहां पे। टोटल आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 11,000 का निकल गया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना का निकल गया? 11,000 का। अब बात करें आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करें शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहा था तो 20,000 मैंने यहां पे लिखा, फंड हमारे पास आया। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यह आपका यहां पे दिखा 28,000, मैं यहां पे मेजर कर दिया 28,000 का। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका 11,000 आ गया, मैं वह लिख दिया, क्लियर। यहां देखिए प्लांट वाला में पहले वैल्यू मतलब ज्यादा था, फिर कम था करेंट ईयर में, तो डेप्रिसिएशन उसको अज्यूम किए, सेल नहीं माने, डेप्रिसिएशन माने, ठीक है। आप नीचे नोट में भी लिख सकते हैं कि देयर डिक्रीज वैल्यू ऑफ प्लांट नोन एज डेप्रिसिएशन, अज्यूम्ड एज डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आपका रिडीम्ड ऑफ डिवेंचर था 40 से 10 हो गया 30,000 का। बिल्डिंग आपका बढ़ रहा था, वह आपका इंक्रीज हो गया। मैंने टोटल किया तो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट 59,000 का निकल गया और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व हो गया। चलिए 11 नंबर में चलते हैं बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं भी डाउट हो एकदम पक्का कमेंट में बताइए, बताएंगे आपको। सैटरडे और संडे का लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 आवर का मिलेगा, आप अपने डाउट को पहले मैसेज कर दीजिए, आपका क्वेश्चन पहले सॉल्व किया जाएगा उस लाइव में। हाँ यार, अब देखिए यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, 12 नंबर राइट डाउन कर लीजिए, केएल गुप्ता वाले बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12 फंड फ्लो स्टेटमेंट राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे मैंने 12 नंबर सॉल्व करा। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या होगा ना यार, अक्सर आपके क्वेश्चन में मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिससे जिसमें आपका प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर मतलब उल्टा लिखा हुआ रहेगा। अभी तक क्या था, पहले प्रीवियस ईयर फिर करेंट ईयर, अब यहां देखिए कि आपका पहले करेंट ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में और फिर प्रीवियस ईयर था, तो अक्सर स्टूडेंट अमाउंटिंग करने में गलती कर देते हैं। और कहीं भी अगर आप मतलब गलती कर दोगे ना तो पूरा क्वेश्चन आपका फिर गलत हो जाएगा, फिर आपको वापस मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। देखिए सबसे पहले बात करें टोटल करेंट एसेट के बारे में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, पहले 25,000 था फिर 70,000 हो गया, तो यहाँ पे करेंट एसेट बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर गया, मैंने इंक्रीज में दे दिया। ट्रेड रिसीवेबल घट गया 98 से 90,000 हो गया, तो करेंट एसेट्स जब घटता है ना बच्चे तो आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है, वर्किंग कैपिटल क्या करता है, डिक्रीज करता है, और मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद इन्वेंटरी देखिए, इन्वेंटरी करेंट एसेट होता है 87,000 से 1,20,000 हो गया, तो करेंट एसेट जब बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज करता है, और मैंने इंक्रीज साइड में डाल दिया।
क्लियर। लायबिलिटीज में उसी तरीके का है, क्रेडिटर पहले 50,000 से 45 हो गया और करेंट लायबिलिटीज जब घटता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है, तो यहां पे इंक्रीज में लिख दिए। बिल्स पेबल पहले 20,000 था फिर 35,000 था, तो यहां पे जब करेंट लायबिलिटीज बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज करता है, मैंने वो लिख दिया। क्लियर। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में देखिए पहले कुछ नहीं था, अब क्या इंक्रीज कर गया था ना, तो यह भी आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर गया। और जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 40,000, 40,000 का। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बात करते, पीएफओ। प्रॉफिट एज पर करेंट ईयर 75,000 था, प्रीवियस ईयर का 60,000 था, मैंने माइनस कर दिया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 15,000 निकल गया। गुडविल का देखिए वैल्यू मेजर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर में वैल्यू ज्यादा है करेंट ईयर में कम है, तो गुडविल राइट ऑफ एड कर देंगे 5,000 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में मतलब दिया हुआ है आपका नीचे सबसे डाउन में, प्रीवियस ईयर में आपका ज्यादा था और करेंट ईयर में कम था, यह प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका ऐड कर देंगे हम लोग। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 22,000 आ गया। क्लियर। शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहा था 25,000 से, वो लिख दिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 22,000 आया था। और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया था तो हम यह माने कि वह सेल किए हैं, तो यह 5,000 का आपका हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग आपका परचेज किए थे 12,000 का और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका 40,000 आया। टोटल फंड फ्लो स्टेटमेंट 52,000 का आ गया और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलिए 13 नंबर देखते हैं, 13, 14, 15 ध्यान दीजिएगा 13 नंबर पहले। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, आप राइट डाउन कर लीजिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 यह सॉल्व करने जा रहे हैं, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते इसको। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे आपका 13 नंबर बनाए, आपका बहुत छोटा क्वेश्चन था यार, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं पे गड़बड़ाए नहीं और आपको एक सिक्वेंस से क्वेश्चन मिल जाए। देखिए करेंट एसेट लिखा हुआ था 1,40,000 से 1,50,000 हो गया, करेंट एसेट बढ़ा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज किया, 10,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज वाला कॉलम खाली है। करेंट लायबिलिटी भी 60,000 से 40,000 हो गया और करेंट लायबिलिटी जब घटता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर। आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से आया 30,000 का, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन था यहाँ पे, 6,000 जो डेप्रिसिएशन का था मैंने वो मेंशन कर दिया। क्लियर। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ओपन कर लेंगे। टू बैलेंस बीडी 50,000 दिया हुआ था, बाई बैलेंस सीडी 60,000 दिया हुआ था, बाई डेप्रिसिएशन 6,000 था, तो यहाँ पे हमने फिक्स एसेट को परचेज करा है 16,000 का, जो मेरा आउटफ्लो ऑफ फंड होगा। क्लियर। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल आपका 60,000 का इंक्रीज करा था, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका 6,000 आया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का वैल्यू करेंट ईयर में कम हुआ तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका 10,000 का, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका 30,000 का है वह मैंने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ रहा था मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज कराया 10,000 का, और फिक्स एसेट परचेज किया 16,000 का, मैंने वो लिख दिया। टोटल जब फंड फ्लो स्टेटमेंट का बोथ साइड 66,000 आया और यह मेरा जब 66 आ गया लगे यार बनाया हुआ मेरा सही है क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा मैच कर गया। क्लियर। चलिए आज की क्लास तक वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे यार, 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन नहीं है यार, डिस्प्ले पे देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो राइट डाउन कीजिए इसे। और के एल गुप्ता का बुक है तो आपको राइट डाउन करने का जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर के एल गुप्ता वाली बुक से बता रहे हैं, राइट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कीजिए, चलिए बताते हैं इसको। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एडजस्टमेंट से भरा है और कंफ्यूज भी कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा स्लोली समझिएगा। देखिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जैसे हमने पहले रूल को मेंशन करके निकाला था मैंने वो निकाल दिया और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से आपका 25,000 डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है, ठीक है, 25,000 डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया, यह आपको आसानी से निकालने आ गया होगा, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर आपने प्रीवियस सारा क्वेश्चन देखा तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पे आपका देखिए कैपिटल एंड वाला आपका 7,45,000 था, समझिए मेरी बात को, यहां पे ड्रॉइंग दिया हुआ था, इस चीज को एकदम ध्यान समझिए, ड्रॉइंग दिया हुआ है
और आपका अगर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़े हैं तो आपको यार यहाँ पे मतलब एक्चुअल करेंट कैपिटल वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू जो बोलिए निकालने आपको आएगा। एंड वैल्यू में ड्रॉइंग को हम लोग प्लस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को हम लोग माइनस करेंगे। एंड वैल्यू में ड्रॉइंग को प्लस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, हम लोग का 1,55,000 निकल गया, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डिफरेंस करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का देखे 45,000 आया, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 2,00,000 का हो गया। क्लियर। यहाँ पे आप मशीनरी का अकाउंट ओपन कीजिएगा, टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन 45,000, आपका कैश में आ जाएगा कि आपने परचेज किया 75,000 का, यह निकल गया। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में लॉन्ग टर्म लोन था जो इंक्रीज कर रहा था 75,000 से, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यह आपका 2,00,000 यहां से निकला, वह लिख दिए। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका यहां पे 25,000 आया, वह मैंने मेंशन कर दिया। लैंड का वैल्यू बढ़ रहा था, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा था। ड्रॉइंग, समझिए मेरी बात को, ड्रॉइंग होने से कैश का आउटफ्लो हुआ, फंड हमारा निकला है अपने बिजनेस से, बाहर आया ना, तो हम वहां भी यहां भी मेंशन करेंगे, यहां भी मेंशन करेंगे, जस्ट लाइक डिविडेंड, ठीक है। तो यहां पे भी मैंने मेंशन करा 1,50,000 का, और मशीनरी का वैल्यू परचेज कर रहे थे मशीनरी ना 75 का, वह लिख दिए। आपका टोटल फंड फ्लो स्टेटमेंट 3,00,000 आ गया, बोथ साइड बनाया हुआ मेरा सही है। अब सुनिए, यह आपका 14 नंबर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, राइट डाउन कर लीजिए। कहीं पे डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सैटरडे के लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सैटरडे संडे 2 आवर आपका लाइव में डाउट ही, और पहले जिनका क्वेश्चन रहेगा मैं उसका डाउट सॉल्व करूंगा। और लग रहा है यार कि हेल्पफुल है वीडियो, समझ में आ रहा है, टैक्स मिल रहा है, कॉस्ट मिल रहा है, मैनेजमेंट मिल रहा है, बिजनेस मैथ मिल रहा है, हर एक टॉपिक प्रॉपरली बता रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी को शेयर कीजिए, कहीं से वीडियो आप देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके बढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।